हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम स्टार प्रिंट करवा सकें, और मैं आपको एल्गोरिथम समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरीके से ये जो आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है इसके रिप्रेजेंटेटिव में अगर हम यहाँ पे स्टार भी ले लें, यहाँ 1 स्टार, वहाँ पे 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार, तो वो भी सेम ही है प्रोसीजर। अगर आप इसको समझ गए तो वो भी समझ जाएंगे पैटर्न सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लूप एक्चुअल में चल कैसे रहा है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम फोर लूप के बारे में ये एल्गोरिथम बनाते हैं तो एक्चुअल में सबसे मेन बात क्या होती है कि ये पता होना चाहिए हमको कि ये लूप अंदर से कैसे काम कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम लूप को पहले लूप को चलाते हैं तो सबसे पहले पहला लूप घूमता है, यानी कि जो फर्स्ट वाला लूप ये वाला है, लूप है पहले ये वाला चलेगा, फिर उसके बाद ये वाला चलेगा, ठीक है। तो पहले लूप में जब चलाया तो आई है, आई की जो वैल्यू है वो 1 है, आई जो 1 है, 1 <5 है, ठीक है। तो पहले ये दोनों कंडीशन जो है ये मैच कर गई, मतलब कि आई 1 है और ये जो कंडीशन है आई 1 <5, तो यानी कि ये वाली सेटिस्फाइड होगी। अब इसके अंदर ये जो लूप है ये चलेगा, ठीक है, यानी कि एक बार ये जब लूप घूमेगा तो उसके बाद अंदर का लूप भी एक बार ही घूमेगा, क्यों, आई की जब वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जे इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 की वैल्यू, यहाँ पे जो वाई है 1, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 1, क्यों, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आई की 1 है, क्योंकि फर्स्ट लूप जब चला तो आई की वैल्यू यहाँ पे पहले लूप में 1 है, ठीक है। उसके बाद जब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई तो यहाँ पे वैल्यू हमारी जो प्रिंट इस तरीके से प्रिंट होगा 1, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हमने इको सिर्फ यहाँ पे लगाया हुआ है अंदर ले फुल फॉर लूप के अंदर, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब सेकंड लूप की बात करते हैं। सेकंड लूप में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, अब जो आई 1 था वो बन चुका है 2, ठीक है। तो सेकंड लूप में जब ये जो लूप चला सेकंड टाइम, ये चलेगा तो एक ही टाइम, बाहर वाला लूप सिर्फ एक ही टाइम चलेगा, लेकिन चला ये सेकंड टाइम। तो जैसे ये लूप चला तो यहाँ पे जो आई क्यू वैल्यू थी पहले क्या थी, 1, अब यहाँ पे 2 हो गई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, यहाँ पे 2 हो गई। तो डेट मीन्स कि आई अंदर का जो लूप है वो तो शुरू से ही 1 से ही चलेगा ना, यहाँ पे आई क्यू वैल्यू 2 है, तो ये तो एक बार घूमेगा फिर डबल घूमेगा, ठीक है। तो जैसे ये डबल घूमता है, यानी कि पहला बाहरला जो 4 है वो एक बार चला, ठीक है, तो उसने अंदर का भी एक बार चलाया, बाहर का दूसरी बार चला, जब उसने सेकंड, तो इंक्रीमेंट हो गया 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो गया 2। अब j इक्वल टू 1 है, 1 <2, ठीक है, तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया, 1 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब अंदर ला एक बार और चलेगा j इक्वल टू 1, ठीक है, तो जब सेकंड बार लूप चलेगा तो ये सेकंड बार जैसे ही घूमता है तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी अब 2 वैल्यू हो जाएगी, जो i की वैल्यू वो 2 हो गई, तो यहाँ पे जो i लिखा हुआ है यहाँ पे 2 हो गई। तो डेट मीन्स जो अंदर वाला लूप तब तक चलेगा जब तक 2 = 2 ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे जो सेकेंड टाइम चलेगा 1 भी चलेगा और 2 भी चलेगा, ठीक है। और जैसे ही एक अंडर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है और 4 जो लूप है वो 3rd टाइम चलेगा, अब जो आई की वैल्यू है वो 3 हो गई, तो यहाँ पे 3rd टाइम जब ये चला तो अंदर ला भी 1, 2, 3 बार चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा है, फर्स्ट टाइम चला तो अंदर ला भी फर्स्ट टाइम चला, बाहर ला सेकेंड टाइम चला तो बाहर अंदर ला भी 1 और 2 राउंड मारे इसने, थर्ड के केस में 3rd बार चला वो अंदर ले भी 1, 2, 3 तक चला, 4th का चला, 4th लूप मारा जब इसने तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे वैल्यू है 4, यहाँ पे इसकी जो आई की वैल्यू है यहाँ पे हो गई 4, जब ये 4 बार होगा यानी कि इसको कंडीशन मिलेगी चलना कितनी बार है, 4 बार, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये पैटर्न है, इस तरीके से बन रहा है। अगर आप इसको अगर हम लिख दें ऐसे स्टार बना दें, ठीक,
तो हमारे पास वैल्यू कैसे आ जाएगी, इस तरीके से स्टार 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 स्टार। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, थोड़ा सा मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन समझ आ गई होगी एक्चुअल में लूप चलते कैसे हैं, नेस्टेड लूप किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग के मामले में स्टार है, आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने कम से कम एटलीस्ट 8-10 इंटरव्यू दिए हैं, तो कम से कम उसमें 6 या 7 बार तो ये क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज ले लो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो, अगर समझ आती है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और एल्गोरिथम्स में आपको और समझाता रहूं, आपको भी थोड़ा और नॉलेज, आपकी वृद्धि होगी नॉलेज में। ठीक है, थैंक यू।